अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रेट में रिकॉर्ड वृद्धि की वजह से इस साल कपास की खेती का रकबा बढ़ने का अनुमान लगाया गया था और ये बात सच साबित होती दिख रही है। राज्य में बड़े पैमाने पर किसानों ने कपास की बुआई की है, लेकिन बदलते वातावरण और बारिश की वजह से अब फसलों को गुलाबी सुंडी का अटैक होने लगा है। कपास की फसल के लिए गुलाबी सुंडी एक दुश्मन के बराबर है। इससे कपास का उत्पादन निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। कीटों के प्रकोप से कई जिलों में कपास की फसल खराब हो रही है। गुलाबी सुंडी ने न केवल कपास बल्कि अन्य फसलों को भी खतरे में डाल दिया है। इसे पिंक बॉलवॉर्म भी कहते हैं। इसके कारण ही कपास का रकबा कम हुआ था, लेकिन दो साल से मिल रहे अच्छे दाम ने इसके प्रति किसानों का मोह बढ़ा दिया था। इस साल देश में रिकॉर्ड 126 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की संभावना है, जिससे 15 जुलाई तक 102.8 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। पिछले साल महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान जैसे कपास उत्पादक राज्य में गुलाबी सुंडी का अटैक हुआ था। दो साल में पिंक बॉलवॉर्म के कारण किसान कपास के अलावा अन्य फसलों की ओर ज्यादा रुख कर रहे थे। कम बुआई की वजह से ही दाम में रिकॉर्ड तेजी है, लेकिन इसी रिकॉर्ड भाव ने उन्हें इसकी खेती को समेटने की जगह बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। सुंडी के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के माध्यम से कीट प्रतिरोध प्रबंधन परियोजना लागू की जा रही है। ये दावा किया गया है कि संगठन गुलाबी सुंडी के संक्रमण को 30% तक कम करने में सफल होगा। इस वजह से इस सीजन में ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, नादेड़, परमभणी, अमरावती, नागपुर, जलगांव, जलाना और अकोला जिले में काम होगा। वहीं सीजन में राज्य में 40 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई की गई है, लेकिन इसकी फसल पर पिंक बॉलवॉर्म संक्रमण का खतरा बना हुआ है। अब चूंकि कपास अनुसंधान संस्थान द्वारा कीट प्रतिरोध प्रबंध परियोजना लागू की जा रही है, ऐसे में अनुमान है कि उत्पादन में वृद्धि होगी। पिछले साल की रिकॉर्ड कीमत का असर अब कॉटन सेक्टर पर दिखने लगा है। वही सोयाबीन के बाद कपास का उत्पादन होता है। देश भर में कपास की सबसे ज्यादा खेती महाराष्ट्र में होती है। कपास महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी अहम फसल है। वही सोलापुर, जलगांव, सांगली और सतारा जिले में बड़े पैमाने पर किसान इसकी खेती पर ही निर्भर हैं। हरियाणा में भी कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी के अटैक की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।